सो ओके गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, खास करके तो गेमर्स के लिए, क्योंकि ये जो फ़ोन है पोको F3 JT, ये खास करके तो गेमर्स के लिए बना है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। सो गाइस, 6 GB का रैम, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज। तो अभी प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। मेडीटेक डायमेंसिटी 1200 की डायमेंसिटी देखने को मिल जाएंगी, और आर्किटेक्ट के बारे में बात करते हैं, 64 bits पे इसकी आर्किटेक्चर है। और ग्राफिक्स के बारे में भाई बात करें तो MIL G77 MC की ग्राफिक्स है। तो डिस्प्ले के बारे में भाई अपन बात करते हैं, साइज अपने को इसमें 6.67 inches का मिल जाएगा। स्क्रीन की साइज होंगी 16.94 सेंटीमीटर की। डिस्प्ले का टाइप होगा एमोलेड, और रिसोल्यूशन की बात करें तो 180x2400 पिक्सल पे होगा, और रेशो की बात करें भाई तो 20:9 होगा। और प्रोटेक्शन की भाई बात करें तो आपको गोरिल्ला ग्लास V5 देखने को मिल जाएगा। अभी भाई इसके कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा में फ्लैश, डबल LED फ्लैश मिल जाएगा, ट्रिपल कैमरा अपने को देखने को मिल जाएगा, 8 MP, 2 MP, 64 MP का। और फ्रंट कैमरा सिंगल होगा जिसमें आपको 60 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। अभी तो कैमरा फीचर के बारे में भाई बात करें तो ऑटो फ्लैश, ऑटो फोकस, फेस डिस्टेंस, टच टू फोकस देखने को मिल जाएगा। अभी शूटिंग मोड की बात करें तो कंटिन्यूसली शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज पे मिल जाएंगी आप। बैटरी के बारे में भाई बात करें तो आपको इसमें ली पॉलीमर देखने को मिल जाएगी। और कैपेसिटी के बारे में भाई बात करें 5065 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी इसकी चार्जिंग के बारे में भाई बात करते हैं, फास्ट चार्जिंग 67W का चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके कनेक्टिविटी के बारे में भाई बात करते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, USB अदर डिवाइसेस में कनेक्ट हो जाता है। अब इसके सेंसर के बारे में भाई बात करते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर अपने को देखने को मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 11 है। तो इसके प्राइस के बारे में भाई बात करते हैं तो अंडर 13,000 rupees होना चाहिए। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना।